शादी बचाने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की मैंने, पर अब मैं थक चुकी हूँ, हार चुकी हूँ, मुझसे नहीं होता। और ये और इन सब की वजह जानती हो ना तुम? इन सब की वजह सिर्फ तुम हो, पूर्वी तुम। और फिर लोग मुझसे कहते कि मैं तुमसे नफरत ना करूं। कैसे नफरत ना करूं मैं तुमसे? पूर्वी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज जाओ यहां से। देखो वो भी मैं तुम्हारी नफरत समझ सकती हूँ, तुम्हारी नफरत बिल्कुल जायज है, लेकिन वो भी तुम्हें प्रॉब्लम मुझसे है ना। तुम अपने आप को और अपने बच्चे को सजा मत दो अभी। देखो अभी प्लीज ये जिद छोड़ दो। वो भी तुम्हारी प्रेगनेंसी में ऑलरेडी इतनी कॉम्प्लिकेशन है, प्लीज अपनी जिद छोड़ो और ओनर से ट्रीटमेंट कराने के लिए राजी हो जाओ। इज द बेस्ट फॉर यू। तो भगवान भी हो ना पूर्वी, तब भी मुझे उससे कोई ट्रीटमेंट नहीं करवानी है। और वैसे तुम मुझ पे बहुत एहसान कर चुकी हो, मेरा हस्बैंड, मेरी आई, सब कुछ तो छीन चुकी हो, और अब ये सब करके, ये दिखावा करके मुझसे मेरा नफरत भी छीनना चाहती हो तुम। डॉक्टर ओनर तुम्हारा हस्बैंड है पूर्वी, और मैं किसी हाल में उससे ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगी, समझे तुम? कुछ भी हो जाए, कुछ भी, कुछ उससे ट्रीटमेंट नहीं करानी है, बस, एंड दैट्स क्लियर। तुम जाओ यहां से, मेरे सामने क्यों बैठी हो? क्यों रो रही हो मिष्टी तुम? ओवी को समझा के कोई फायदा नहीं होगा। मैं उसकी साइकी को अच्छी तरीके से समझता हूं, और उसके इसी एटीट्यूड की वजह से कोई भी डॉक्टर उसे ट्रीट नहीं करना चाहेगा। मिष्टी, दवाइयों से ज्यादा पेशेंट की मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से ट्रीटमेंट ले पाएगा, और हम उसकी मेंटालिटी को चेंज तो नहीं कर सकते ना। इसलिए कह रहा हूं कि मिष्टी तुम प्लीज तुम स्ट्रेस मत लो, ये हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है मिष्टी। चलो तुम चलो जाके आराम करो, तुम्हारी दवाई का वक्त हो गया। चलो रूम में चलो, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूं। आओ कम। अर्जुन, आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि अभी हमें सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैंने ओवी का ट्रीटमेंट इस उम्मीद से शुरू किया था कि मुझे लगा कहीं ना कहीं एक जिद्दी औरत के पीछे एक मां का दिल होगा और वो बाहर निकलेगा, लेकिन नहीं, उसका फ्रस्ट्रेशन, उसका दर्द उसके मां बनने के एहसास से कई बड़ा है। अर्जुन, मैं नहीं जानता कि उसके जिंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन मैं कंफ्यूज्ड हूं, क्योंकि एक मां के लिए उसके बच्चे से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक अर्जुन तुम्हें जो ओवी कहती है उसे सुनना चाहिए, तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास उसे लेकर जाना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए।
जो मैंने मेडिसिन लिख कर दी है तुम उसे प्लीज टाइम टू टाइम खिलाते रहो। और मैं काम कर सकता हूँ तुम्हें, मैं मुंबई के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स का नंबर दे सकता हूँ, तुम उसका ट्रीटमेंट वहीं करा सकते हो। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा। चलो तुम जरा अपना ख्याल रखना शुरू कर दो, वरना बच्चा कैसे आराम करना सीखेगा। हर मामले पे बाप पे जाना जरूरी नहीं है। जैसे मुंबई छोड़ने का मेरा जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। अर्चना, अर्चना कहाँ हो तुम? मैंने कल रात को भी तुम्हें फोन किया था लेकिन तुमने फोन ही नहीं उठाया। क्या बात, क्या है, सब ठीक है ना? मानव, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। आपको पता है कल रात को वो भी बीच सड़क में गिर गई, उसे तकलीफ चालू गई, हम तुरंत डॉक्टर ओनर के क्लिनिक उसे लेकर आए। वो भी कैसे गिर गई? मेरा मतलब है ऐसा क्या हुआ कि अब वो ठीक है ना? मानव, डॉक्टर ओनर कह रहे हैं कि वो भी ठीक नहीं है, और आपको पता है वो भी ये तक कह रही है कि वो डॉक्टर ओनर से अपना इलाज नहीं कराएगी। डॉक्टर ओनर से इलाज नहीं करवाना चाहती? लेकिन क्यों अर्चना? ओनर तो दुनिया के सबसे जाने माने डॉक्टर हैं। मानव, दरअसल बात है कि डॉक्टर ओनर उर्वी के पति। डॉक्टर ओनिर पूर्वी के पति? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा मतलब, अर्चना पूर्वी ने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। और ये बात तो अच्छी है कि उसकी शादी डॉक्टर ओनिर दत्त जैसे अच्छे आदमी से हुई है, लेकिन उसने हमें बताया नहीं। और तुम्हें कैसे पता चला? वो कलकत्ता में, तुम मिले उससे? उवी को उससे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है मानव कि खुद आकर ओवी को सब कुछ समझाता हूँ। ठीक है, अब जल्दी आइएगा। आई, मुझे नहीं पीना है, ये बहुत अजीब सा टेस्ट है इसका, मुझसे नहीं पिया जाएगा। ओवी, ये टेस्टी नहीं है लेकिन बहुत हेल्दी, तुझे बहुत सारी ताकत मिलेगी, जल्दी से पी ले, जल्दी जल्दी। आई, बस हो गया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मुझसे और नहीं पिया जाएगा। ओवी, तेरे बहुत नाटक होगा। अच्छा रुक, मैं आई। मानव, बहुत याद आ रही थी, सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला आया तुझसे मिलने।
कैसी है तू? बहुत अच्छी। और आप? मैं भी बहुत अच्छा, ठीक हूँ बिल्कुल। हाँ रख दो। और हमेशा की तरह खाली हाथ नहीं आया हूँ मैं, अपनी बेटी के लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी लाया हूँ। क्या? पहचाना इसे? बाबा ये तो मिनी है ना। अर्चना, ये ओवी की सबसे फेवरेट डॉल है। जब छोटी थी ना, 2400 घंटे इसे अपने गले से लगा कर रखती थी। ये नहीं होती थी तो ये सोती भी नहीं थी। इस डॉल को लेकर ओवी और तेजू के बीच में इतने झगड़े हुए हैं कि पूछो मत। ये इसके बाल देख रही हो तुम? ये सब इन दोनों के झगड़ों का नतीजा है। और दोनों को मैंने कितना कहा कि दोनों में से कोई एक इसे रख लो, दूसरी को नई डॉल ला दूंगा, लेकिन नहीं, दोनों मानती ही नहीं थी। कैसे मानती बाबा? मिनी के साथ मेरी जो बॉन्डिंग थी वो और किसी के साथ नहीं। शी इज वेरी स्पेशल टू मी। पर बाबा, आपको ये कहां से मिली? तेरी आजी ने इसे संभाल कर रखा था। वो हमारा कनाडा वाला सामान छाट कर रख रही थी तो मुझे दिख गए। फिर इसे देखा तो तेरी याद आ गई, इसे उठाया और आ गया अपनी बच्ची के पास। अर्चना, हमारी वो भी बचपन से ही जिद्दी है। किसी और से तो क्या, इसने ये डॉल तेजू के साथ भी कभी शेयर नहीं की, अभी भी बिल्कुल वैसी है। उम्र में बड़ी हो गई है लेकिन दिल से बच्ची है। लेकिन बेटा, अब तुझे बड़ा होना होगा। बहुत जल्द एक छोटी ओवी, ये छोटा सा अर्जुन तेरी गोद में होने वाला है। तू आई बनने वाली है बेटे। तू चाहती है ना कि वो सही सलामत इस दुनिया में आए और तेरी इस दुनिया को और खूबसूरत बनाए। तो बेटे, तू अपना ट्रीटमेंट डॉक्टर ओनिर से करवा। समझ में आया। भाई, तूने बाबा को यहाँ बुलाया है ना? आप लोग क्यों नहीं समझ रहे, मुझे डॉक्टर होने से ट्रीटमेंट नहीं करानी है। पापा, आप जानते हो वो कौन है? वो पूर्वी का हस्बैंड है। वही पूर्वी जो हमेशा मेरे और अर्जुन के बीच में रही है। तो आज फिर से वही सब कुछ। आप लोग को क्यों एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं करवानी है उसे? पापा, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगी पर पूर्वी की इन्वॉल्वमेंट नहीं बर्दाश्त करूंगी। और उस डॉक्टर ओनर को तो मैं अपने पास भी नहीं आने दूंगी। पता नहीं क्यों मुझे कोई नहीं समझ रहा। मैं क्या पागल हूँ क्या? रिलैक्स बाबा, मैं कैसे रिलैक्स करूँ बाबा? बाबा, मुझे यहाँ कोई नहीं समझता है। सब मेरे पीछे पड़े हुए। आप तो मेरी कभी कोई बात नहीं टालते हो ना। प्लीज मुझे मुंबई वापस ले जा। मुझे यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं करानी। बस मुझे यहाँ कर लेकर चलो बाबा। अच्छा, बस शांत हो जाओ। हम तुझे मुंबई ले जाएंगे। और कोई चारा नहीं अर्जुन, हमें सिचुएशन का कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं कैसे समझाऊं उसको, मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को कि मैं नहीं जानता था कि पूर्वी डॉक्टर ऑनर की बीवी है। मुझे नहीं पता था कि पूर्वी यहाँ कोलकाता में। प्रॉमिस, अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं सबसे पहले आके आपको बताता, आई को बताता। मैं जानता हूँ आप लोगों की हालत पूर्वी के जाने के बाद क्या है। ये बात मैं आप लोगों से क्यों छुपाऊंगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और हम जानते हैं कि पूर्वी ने भी कुछ गलत नहीं किया। लेकिन ये बात ओवी को कौन समझाएगा? वो ले देकर अपनी जिद पर अड़ी हुई। उसे लगता है कि मैंने ये जानबूझ के किया। वो मेरे पास्ट की सजा मेरे आने वाले बच्चे को दे रही। दिस इज नॉट डन। वो ओवी का भी तो बच्चा है अर्जुन। आई नो अंकल, आई एम सॉरी, बट मुझे नहीं लगता कि वो उसको अपना बच्चा मानती है। अंकल, मैं अपना सारा काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के यहाँ पे कोलकाता में बैठा हूँ क्यों? ओवी का ख्याल रखने के लिए, अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए।
और उसे देखो वो बच्चों की तरह जिद पे अड़ी हुई है कि उसे डॉक्टर रोने से ट्रीटमेंट नहीं कराना। आई नो, मैं जानता हूँ कि पूर्वी के आने के बाद इस सारी चीज में कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ गई है, लेकिन ये सब मेरे हाथ में तो नहीं था ना अंकल। आज आई एम मिसिंग मॉम, आज अगर वो होती तो आई थिंक वो ओवी को मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे से समझ सकती, उसे समझा सकती कि ये फीलिंग क्या होती है। मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स, हम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, एक बार और बात करके देख। कोई फायदा नहीं अंकल, कोई फायदा नहीं, हजार बार बात करके, हजार बार उसे समझा, इट्स जस्ट वो नहीं मानेगी। तो एक काम करो अर्जुन, तुम हमें डॉक्टर ओनियर के घर ले चलो, अगर वो भी नहीं मानती है तो हम डॉक्टर ओनियर को मनाएंगे, वो भी नहीं समझती है तो हम डॉक्टर ओनियर को समझाएंगे। देखो बेटा, इस वक्त डॉक्टर ओनियर का इस केस को लेकर पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, ओवी को हम किसी ना किसी तरह हैंडल कर लेंगे, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। मैं और चना उनके पास जाते हैं और बात करते हैं उनसे। भौजी जी, शंभुदा उस पेशेंट के माता पिता है। किस पेशेंट के? वही जो हमारे यहाँ कल रात को खाना खाने आए थे। शंभुदा अभी देखिए, मैं आती हूँ। हाय बाबा। बाबा कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ बाबा। बहुत अच्छा लगा तुझे इस रूप में देखकर, ये साड़ी, ये सिंदूर, और अब तो तू आई भी बनने वाली है, डॉक्टर ओनियर जैसा होनार और अच्छा जीवन साथी मिला है तुझे। एक आई बाबा को अपनी बेटी के लिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए? बस एक बात का दुख रहेगा हमेशा, इतना सब कुछ हो गया तेरी जिंदगी में, इतनी खुशियां आई तेरी जिंदगी में, लेकिन तूने हमें उसमें शामिल नहीं किया। शायद तूने हमें उस काबिल ही नहीं समझा। नहीं बाबा, हो सकता है तेरी भी कुछ मजबूरियां रही हो, लेकिन बेटा एक बात मुझे हमेशा तकलीफ देती रहेगी, जब मेरी बेटी को उसके पिता की सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं अपनी बेटी के पास नहीं था। एक पिता को जो खुशियां, जो प्यार अपनी बेटी को देना चाहिए वो नहीं दे पाया तुझे। नहीं बाबा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप आज यहाँ आए, मुझे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आई से मिली, ओवी से मिली, और आज आपसे भी मिली। बाबा मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो खुश तो है ना? हाँ बाबा, मैं अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हूँ। ओनर जैसे हस्बैंड मिले हैं मुझे, मुझे और क्या चाहिए? बस मैंने अपने अतीत को अपने आज में हावी नहीं होने दिया। मैंने ओनर को अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया बाबा। जानता, अर्चना ने मुझे सब कुछ बताया, लेकिन बेटे तो डॉक्टर ओनियर से सच्चाई कब तक छुपाएगी? अगर उन्हें किसी और से पता चल गया तो? बाबा आपका डरना जायज है, लेकिन मुझे अभी तक वो सही मौका नहीं मिला कि मैं ओनियर को सब कुछ सच सच बता दूं। लेकिन मुझे जिस दिन भी ये मौका मिलेगा ना, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। बस बाबा आप उन्हें कुछ मत बताइएगा। ठीक है बेटे, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। बेटा हम चाहते हैं कि डॉक्टर ओनियर ही ओवी का ट्रीटमेंट करें। कौन आए भाई अपने घर पे?